हाय गाइस, एक मिनट जरा चुप होना जरा गाइस। मैं आज सुबह सुबह नाश्ता बनाती, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी तबीयत सही नहीं थी और अभी भी ठीक नहीं है, इतनी ठीक नहीं है, मैं तो थोड़ी ठीक 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 हो रही हूँ। पर मुझे आज सुबह इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला, शॉक्ड हो गई मैं। और सरप्राइज़ क्या, मैं आपको बताऊँ कि दिखाऊँ, दिखाई देती हूँ सरप्राइज़ क्या है। दो जी रानी और शीना फिर मिल गए, सरप्राइज सरप्राइज। तो आज सुबह सुबह मैडम ने आके मुझे सरप्राइज किया, 10:30 बज रहे हैं, मैं इनका टिफिन ही पैक कर रही थी तब आ गई। तो अभी हमने अन्नू को नहीं बताया क्योंकि इनको अन्नू ने कल बहुत ताने मारे थे मेरे घर ही बैठ के, तो अभी अन्नू को नहीं बताया है। अन्नू को आशु जी ने इसलिए बुलाया है कि बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा टिफिन पैक कर दो। तो अब देखो अन्नू आ रही है, इधर आ जाओ ना, तुम लोग दिख जाओ, रिएक्शन नोट करेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो हमें सरप्राइज मिला वो इनके चैनल पे मिलेगा, मैं इनके चैनल का प्रमोशन कर देती हूँ। वैसे मैं प्रमोशन करती रहती हूँ, छोटे मोटे चैनल्स को मैं करती रहती हूँ। तो प्लीज आप चेकआउट कर लीजिएगा, जूम जूम वर्ल्ड कर लेना प्लीज। जो मेरे 1000 व्यूज आ रहे हैं ना, वो लोग प्लीज जूम जूम वर्ल्ड जरूर देख लेना। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, पता है तुम्हारे सब्सक्राइबर अलग है, तुम्हारी अलग मेहनत है, मेरे अलग है। इसमें ना मजाक वाली क्या बात है, कोई मजाक वाली बात नहीं है। नहीं क्यों नहीं है, नहीं है। चलो जी अभी थोड़ी देर में फिर मिलते हैं, हम जरा चाय नाश्ता करें। वीडियो बननी शुरू हो गया, मैं इसे भूल गई। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, आप हमारे लिए नाश्ता पकाइए। क्या पकाने वाली हैं पहले बता के जाइए व्यूवर्स। हाँ तो वो तो वॉशरूम तो जाएगी ना, तो जी आप लोगों ने देख ही लिया है कि बुलबुल आ चुकी है घर पे और बड़ा ही अच्छा लगा। अब आप अन्नू का रिएक्शन नोट करना, ठीक। उधर से वो देखो क्या हो गया अनु को, हमने ना ट्रैप करके बुलाया। हमने यही जुगत लगाई कि मेरी तबीयत खराब है और अनु आ जाओ नाश्ता बनाने के लिए। तो ये देखिए नाश्ता बनाने के लिए आई, बाजी की तबीयत खराब है। अनु अनु बाजी, आपने मुझे कल इतना सुनाया, इतना सुनाया, मैंने बोला भैया अब तो जाना ही होगा, बैग ही लिए छोटी आई अंदर थी तो सदमा हो गया कि तो आधे घंटे भाई उतर के फ्रेश हो गई करती है, वो बिल्कुल नहीं आएगी। और एकदम से उसको वही नहीं था, मैं फ्रेंच छोटी बना के सोती हूं, नहीं कल कोशिश कर रही थी। अब तो मोटी हो गई हो, यहां पतली हो गई है, नहीं मुझे तो मोटी लग रही है, नहीं पतली लग रही। लीबू ये देखो, ये लीबू को देखिए जरा, बोलो यार लीबू आ रहा के पापा बोल रहे थे कि आयरा को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, मैंने कहा आयरा पागल समझे हो। तो गाइस आप लोगों ने देख ही लिया अन्नू का रिएक्शन। अच्छा जी, तो बच्चे नहा धो चुके थे, अब जा रहे हैं मम्मी का रिएक्शन नोट करने के लिए, क्योंकि अभी तक घर में मम्मा और मेनास को भैया को नहीं पता है। अच्छा ये दिन है संडे का, मैंने सिर्फ सैटरडे तक का वीडियो बनाया था, कल जो मैंने बनाया था आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो ये दिन है संडे का और वाकई में बड़ा बढ़िया सरप्राइज़ मिला। अच्छा गुड्डू आ चुके, उनको मैंने खाना पानी खिला के अब वो करेंगे रेस्ट, और अब हम उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, हम चले जाएँगे मम्मा के घर पर। मम्मा का भी रिएक्शन नोट करना, और ये वीडियो मैं सेकंड पार्ट में भी आपको दूंगी, क्योंकि सेकंड पार्ट और भी ज़्यादा एक्साइटेड वाला है। तो अभी आप देखिए मेनास का रिएक्शन। कौन है, क्यों ओहो यहाँ तो कोई है ही नहीं, मम्मा क्या है। कोई नजर ही नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ, ये कहाँ बिलेट पता गई हो कराने में, तुम ये पानी दे दो मुझे, नहीं नहीं आई ना, तुम मिलना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तेरी
छोटे छोटे बेबी ये सरप्राइज था। आज सब लोग को छोड़ ही नहीं रहा है, डेस्परेट हो रहे हैं। खाने दो ना। हाँ मम्मा की तो आपके बनाई होगी, देख के देखो। मम्मा को मैं नहीं चलूंगी, बहुत याद आ रही थी आपकी, बहुत मुझे भी बहुत याद आ रही थी। आप उन लगे रहो, मुन्ना भाई करते रहो। नानी, मम्मी से बात करते हैं। मम्मा आप एक बात सुन लो, मैं ना हैरान हो जाऊंगी। इन्होंने मुझे रात को मतलब कल बता रहे थे, इन्होंने सुबह बता दिया कि हो सकता है कल जाएंगे। और आ रहा ना कल दोपहर से मुझसे ये कह रही है, उनको बोला था उससे पहले से कि मम्मी पता नहीं मेरी नानी कैसे होंगी, मेरी नानी की तबीयत खराब हो गई। मैं तुमसे किसी ने कहा तो जी आप लोगों ने देख लिया मम्मा का मिनाज का सबका सरप्राइज हो चुका है। बुलबुल ने बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ दिया। अच्छा जी तो अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ ज़रा बुलबुल के साथ। एक तो मेरी दवाई आनी थी और दूसरा हमें थोड़ा सा हमने उनको सोचा चलो जी मस्तीबाजी भी करते। बुलबुल को थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, हमारे दो तीन काम हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं मार्केट। मार्केट में मैंने कोई ख़ास वीडियो शूट नहीं करा क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट से आने के बाद एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, आप लोगों को सुनिए। तो जी बच्चों के आ चुके हैं ये लिटिल हार्ट्स, अभी हम गए थे ज़रा बच्चों के लिए सामान लेकर आए हैं। और मेरी हालत देखो कैसी हो रखी है, उजड़ा चमड़ा तो आई भी नहीं। तो मैं पता है आपके बिस्किट क्या बता दूँ, पहले तो ये बिस्किट है लिटिल हार्ट्स है ना बच्चों, इसकी एक स्टोरी है। बुलबुल आना इधर आके बता, बुलबुल बताएगी इसकी स्टोरी। मैं तो वैसे ही गोरी लग रही हूँ बहन, मैं तो काली लगी फिर नहीं दिखा, ठीक ही लग रही है हम दोनों। बताइए पंखा तो बंद कर दो, आवाज़ नहीं आ रही होगी। नहीं आती है, आती है। नहीं तो बंद, मुझे गर्मी लगती है। दो मिनट मिनट बंद करो तभी स्टोरी में मजा आएगा। अच्छा अच्छा चलो मजेदार स्टोरी सुनिए। मुझे बैकग्राउंड में बच्चों की इतनी आवाज़ है। वो तो कोई बात नहीं, पता है कि हम मायके आए हैं, थोड़ा सा ऐसे करो आप बताओगे थक जाए मेरा हाथ। तो अनु को दो ना, अनु बनाएगी। मैं क्या बताएगी, बताओ शुरू करो। अरे मैं ना छोटी थी, हम दोनों ही छोटे थे, हम दोनों में एक ही साल की छुट्टी बढ़ाई है। तो इन्होंने ना ये कुछ काम कर रही थी तो मामू आए थे, ऐसा मामू इलाहाबाद में रहते थे हमारे एक मामू, तो वो आए हुए थे। तो ये डांस करके ये इनको गाना चला और इन्हें ज़ोर से डांस आया और इन्होंने कर दिया। मामू जी बैठे थे, मामू जी ने देखा, मामू जी को इतना अच्छा लगा, मामू जी इतने इम्प्रेस हुए। मामू जी ने इन्हें 10 रुपये दिए थे, उस टाइम भी 10 रुपये का ज़्यादा था। ये सबसे उस टाइम ही लॉन्च हुआ था और ये सबसे महंगा बिस्किट था। इसका ऐड ही देखा था, ऐड देखते थे और इतना अच्छा लगता, इतना मन करता था। तो उन्हें इन्हें मामू जी ने 10 रुपये दिए, खुश होके ये फौरन इसे ले आए। अब मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया, तो इन्होंने बताया मैंने डांस किया तो मामू जी मुझे दिया। अब हमें लगा कि हम भी डांस करेंगे, हम भी अभी मुझे कह रहे खा ली क्यों खा लूँ, अलग से खाऊंगी अलग से खाऊंगी। तो भैया मैंने डांस करना शुरू करा फिर, और खूब जोरदार डांस करा, खूब जोरदार। और जबकि मैं डांस में अच्छी भी थी, बट ये वही वाली बात हो जाती है किसी की सादगी पसंद आ जाती है और माइंड में लालच रख के आप कितने भी बड़े डांसर हो। हालांकि मैंने डांस अच्छा किया, आई थिंक आपने चश्मा भी लगाया था। नहीं वो तो दूसरा था, लेकिन मुझे मामू जी को शायद पसंद नहीं आया, मामू जी सो गए थे। ऐसे नहीं कि मामू जी ने कोई पैसे के किसी को, मामू जी शायद इतना बोर हो रहे थे कि वो सो गए और मुझे ना पैसे मिले और मैं फिर रोती रही। मैंने उस दिन के बाद ही लिटिल हार्ट ना कभी नहीं खाया और आज लेकर आए हैं बच्चों के लिए। आज भी इसकी एमआरपी लिखी है, आज भी 10 रुपीज़ है। 10 रुपीज़ है तो ये थी हमारी छोटी छोटी सी मेमोरीज और स्वीट स्वीट थी। मज़ा आता है ये सब चीज़ का। और जब जैसे मैंने आज दुकान पे देखा मेरे को लिटिल हार्ट बस। बाय।
अच्छा जी, तो हमारे बचपन का आप लोगों ने एक किस्सा सुन ही लिया। ऐसे ढेरों किस्से होते हैं बहन भाइयों के, ऑब्वियसली बात है सबके होते होंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं आसिफ जी भी, क्योंकि उनका मन नहीं लगा ऑफिस में। आज उन्हें गुड़गांव जाना था, वो आधे रास्ते में गए भी, थोड़ा सा ही निकले थे, तो मैम ने बोला, इन्होंने बोला कि मैम मेरी सिस्टर आई हुई है, तो मैम ने बोला चलो ठीक है आप इन्जॉय करो, हम कल मिलते हैं। तो फिर अब कल जाएंगे आसिफ जी गुड़गांव। और यहाँ पर बुलबुल, गुड्डू और आसिफ जी बैठ के बस बातचीत कर रहे थे, और बुलबुल आ जाती है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि ईद का सा एक माहौल हो जाता है, और बहुत ही अच्छा ये मज़ेदार सा सरप्राइज़ था। तो गुड्डू भी अब सो के उठ चुके थे, खाना पीना सबका हो गया था, अब बस ये शाम का टाइम था। अच्छा, इन लोगों ने डिनर नहीं करा था, क्योंकि अब हम समोसे ले आए थे। तो ये यहाँ पर बुलबुल को पसंद है कॉफ़ी, अनु मेनास कॉफ़ी पियेंगे, मैं आसिफ जी और गुड्डू पियेंगे चाय, क्योंकि हम चाय लवर हैं। अच्छा, गुड्डू ने तो चाय भी नहीं पी थी, बस उन्होंने समोसा ही खाया था। ये है एवरग्रीन का समोसा, वैसे तो हम हमेशा राजीव के लेकर आते, बट आज राजीव की शॉप बंद थी, तो ये एवरग्रीन से आया था। ये देसी घी के समोसे हैं, और ये बहुत ही यमी थे, मज़ा आ गया इनको खा के। तो इतना ज़्यादा फुल हो गए थे, तो डिनर ना हम सब में से किसी ने भी नहीं किया, हालांकि आसिफ जी ने तो इतने समोसे खाए भी नहीं था, सब ने एक एक समोसे में ही सबका डन हो गया था। बट फिर भी डिनर नहीं गया, बुलबुल ने जो डिनर था वो पैक करा लिया था, मैं भी घर पर जो है ना, मेरे लिए मम्मा ने भिजवा दिया था डिनर। तो यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी कल वाले व्लॉग में। अभी तो फिलहाल मज़ेदार सा, और ये पता है बहुत ही अच्छा सा आज का मेरा दिन गुजरा। तो चलो भी मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में, इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ठाठा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, है ना। मैंने देखो समोसे की फ़ोटो भी दिखा